दोस्तों नमस्कार, किशोर श्रवण कैसे हैं। तो आज ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो है। अगला क्वेश्चन निकालना बेटा, ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो, सेकंड गुरुनीति का वीडियो। टोटल 45 वीडियो आने हैं, 15वां हम आज शूट करने जा रहे हैं। आज है 9 दिसंबर और ये वीडियो अपलोड होगा अपना कल 10 दिसंबर को, एक दिन पहले शूट कर रहे हैं। ठीक है डियर, बात शुरू करें। तो एक तो जो हमने 14th वीडियो शूट किया था पिछाना बेटा, उसमें हम जोश जोश में गलत क्वेश्चन कर गए। ये याद 17वां क्वेश्चन था, ये पिछले वीडियो का है भाई। इसमें एच है वो वेरी लेस देन, हाँ ये सही कर दिया, सही करके दिया है। तो इसका आंसर ये जी इक्वल 1-2H/R है। फर्स्ट वीडियो जो था वहां वो भूल से एच वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होता है, होता नहीं कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो। ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो ये पिछले वीडियो का करेक्शन है जिसको आप लोग सही कर ले। ओके जी, अब आज की वीडियो आ जाओ भैया। तो आज दोस्तों ग्रेविटेशन सेकंड पे बात कर रहे हैं, जिसमें आपके एक्सेलरेशन क्या है, प्लैन वेग क्या है, ग्राउंड की गति क्या है, प्लैनेट्स क्या है, बर्निंग एनर्जी क्या है, उन सब पे आज चर्चा की जाएगी। आज इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। और ग्रेविटेशन जो फोर्स है या ग्रेविटेशन टॉपिक है, यहां से 45 में से एवरेज 2 क्वेश्चन आते आते हैं, एक तो पक्का है। ओके शुरू करें। वो कहता है एक्सेलरेशन फ्रॉम अर्थ इज vs, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 2vs with what constant velocity will be move in the interplanetary space। अगला जो कार से कहता है, पृथ्वी तल पे प्लैन वेग है ve, e बोल तो es की जरूरत नहीं है, वस्तु को 2vs वेग से फेंक दिया, तो ग्रहों के बीच जो ब्रह्मांड हमारा है वहां एक किस वेग से गति के, पेज खाली करें बेटा। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन क्या है, प्लैन वेग क्या है। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर ये एक मानव की फील्ड है, जिसके अंदर इस पृथ्वी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहां कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस फील्ड से बाहर कोई वस्तु फेंक दी जाए तो उसको ये पृथ्वी अपने ओर वापस नहीं खींचेगी। इसका मैं मेरी भाषा बोलूं कि हर द्रव्यमान, हर मास अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पैदा करता है, उस क्षेत्र में दूसरा कोई द्रव्यमान आएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यदि आप क्षेत्र से बाहर हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब मतलब यह है दोस्तों कि यहां कोई वस्तु है पृथ्वी पर रखी हुई, और इस वस्तु को हम लोग इस फील्ड से बाहर निकाल दें, जिसके लिए आपको एक मिनिमम स्पीड की जरूरत हो, मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत हो, इट कॉल्ड एसएफ वेलोसिटी, प्लैन वेग कहते हैं डियर। ओके, अब ये कैसे आए इसके बारे में बात करें तो आप जानते हो डियर, यहां इसकी बताओ। अब आप शुरू हो जाओ दोस्तों, किशोर बाबू यहां इसकी एनर्जी क्या है, टोटल पोटेंशियल है माइनस जी, पोटेंशियल है कितनी है माइनस, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी की कैपिटल, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल कैपिटल दांत क्लास। आप कहां खड़े हो, कहां बैठे हो, पृथ्वी की सरफेस पे बैठे हो, तो यहां इसकी एनर्जी क्या है माइनस जी एम एम बाई के पी टार, ये कल आपको पढ़ा चुका हूं मैं। प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी जीरो होनी है, इक्वल टू अनंत पे पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो, और काइनेटिक भी जीरो जीरो, काइनेटिक भी जीरो जीरो। ये काइनेटिक क्या है इसकी बात अभी करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो देखा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर जी एम एम अपॉन आर, ध्यान दे पूरी क्लास, स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दो, इस वी के साथ आप वी ई लगा दो, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप करोगे तो दोस्तों ये क्या बना, टू जी कैपिटल एम अपॉन आर। पूरी बात सुन लो, ये मेरी पृथ्वी है, ये गोला जो मैंने खींचा है, ये वर्क इसका ग्रेविटी फील्ड है, इसके बाहर इस पृथ्वी का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो मुझे इस वस्तु को यहां से फेंक के इससे बाहर पार करवाना है। इसका सीधा मतलब है कि यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पोटेंशियल कितनी होती है कल पढ़ा दिया आपको, माइनस जी एम एम और कैपिटल किस वेग से फेंके, वी तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, गुणा भाग किया बेटा जी तो वी का मान आ गया रूट टू जी एम बाई कैपिटल। अब प्रश्न खड़ा होता है, जी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, आर क्या है, अर्थ की रेडियस है, तो जिस वस्तु को आप फेंक रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी
जिस ग्रह पे खड़े हो, पृथ्वी पे हो, मंगल पे हो, चांद पे हो, बृहस्पति पे हो, एक्सेप्टेबिलिटी उस ग्रह की नेचर पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, इसमें कहीं एंगल नहीं आता, यूं फेंकते हो, यूं फेंकते हो, ऐसे फेंकते हो, दोस्तों इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये पृथ्वी को अपन गुणा भाग करके सही करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। यानी पृथ्वी से किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी पत्थर को, चाहे 5 ग्राम का हो चाहे 500 ग्राम का हो, यदि वो 11.2 बोलो yes. किलोमीटर पर आवर से फेंक दे तो कहां टिक जाएगा? पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर जाएगा, यानी वो स्वतंत्र हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाइन वेग। अब एक बात और सुनो, फिर सुन लो, इस ये जो है ये इस वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब दोस्तों अपन थोड़ा इसको और सोल्व करें, बोल किशोर पुत्र। तो ये 2gm/kPa। अब कल वाले सी बात है, मान लो कहीं मास दिया हुआ नहीं हो, वो कहते दो अलग अलग ग्रहों की डेंसिटी इक्वल हो, तो वही कल का फंडा, मास को चेंज करो डेंसिटी में, तो d इक्वल टू क्या होगा? mv। तो m क्या होगा? d। v तू क्या जानता है? 4/3πr³। चल पुत्र रिप्लेस करेगा तू, तो 2g क्या है? m d 4/3πr³। आर क्यूब अपॉन क्या है पुत्र? आर। तो वीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, चार कांस्टेंट, ये तरह क्या बचा? आर स्क्वायर। तो ए मैं इसको ऐसे कह दूं, ए अरे यार ये बिल्कुल V इक्वल टू रूट आर, आर बाहर है, डी अंदर है। देख डियर, मास दिया हुआ हो तो फॉर्मूला तेरा है ये वाला, और मास नहीं दिया हुआ हो, डेंसिटी दी हुई हो, तो फॉर्मूला ये वाला है। कलर चेंज करके तेरे इस पे गोला कर दूं, ये दो परमास्त्र फॉर्मूले हैं जो तेरे भी काम आएंगे। ध्यान से बैठा क्लास देखिए ईमानदारी से। दोस्तों हम दावे से कह सकते हैं, गुरु नीति के सारे वीडियो आप ढंग से देख लिए तो आप 150-160 नंबर आराम से लिया होगे, कम से कम 3 बार देख लो। 45 वीडियो है, एक वीडियो मान लो कि एवरेज 1 घंटे का है, 45 घंटे हो गए, 15 घंटे से और जोड़ दो, 60 घंटे आप हमें 4 बार दे दो, 250 घंटे दे दो, 2450 आवर दे दो, 160 उन बच्चे के आ जाएंगे जो कहता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा जिस ईमानदारी के भाव से, बिना कोई शुल्क, बिना कोई चार्ज, ये हम आपके लिए अपलोड करते हैं। दोस्तों बहुत वर्क करना होता है, एक सेटअप लगा हुआ है, शूट करते हैं, पूरी टीम लगी हुई है, और जो डेट आपको छाप के दे रखी है उस दिन डेली 2 वीडियो आपके पास आते हैं, फिजिक्स और जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, और मेरी परफेक्ट टीम आपके लिए काम कर रही होंगी, मैं खुद आपके खड़ा हो गया भाई मेरे। ये एक्सेप्टेबिलिटी का एक कॉमन फॉर्मूला है। अब एक बात देखना, ये माना कि हमारी पृथ्वी है, यहां से कोई बॉडी है, ये इसका वो ग्रेविटी फील्ड है, इसको अपने फेंके तो एग्जैक्ट वीई से फेंकेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। अब वो कहता है कि जिस वेग से फेंका वो वेग ग्रेटर देन वीई है। यस, आपने किसी वेग से फेंका और बस ये ठीक बाहर निकला, उसको वीई कहेंगे। और वो कहता है जिस वेग से फेंक रहे हो वो वी ग्रेटर देन वीई है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो ज्यादा क्या करेगा, वो उसको बाहर जाके फिर चिकड़ जाएगा, उसकी स्पीड नॉन जीरो हो जाएगी। तो यहां इसको आप ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो। तो ए पॉइंट पे क्या है? जी एम एम अपॉन के पी प्लस प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी नहीं है गए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि अनंत पे चला गया ना। तो सुनो क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बट इसके देखो भाई, मैंने इसके मैंने वी सी नहीं लगाया, वी ई नहीं लगाया, मैंने एक्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि मेरी वेलोसिटी एक्सेप्ट से ज्यादा है। अब तू कहता है कि माइनस जी एम एम बाई आर, आ जा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, ये माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा मिटा देते हैं पुत्र। दोस्तों मैं फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे याद है, पर मैं आपके लिए इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं। स्मॉल एम सम काट दे बेटा, स्मॉल एम काट दे, ऐसा कर। अब इधर लिख, ये क्या बचा तेरा? जी एम अपॉन बाई आर माइनस है, ऐसा कर उसको उधर ले जा। तो ये तेरा क्या है? हाफ वी स्क्वायर माइनस वीडेस, वीडेस का स्क्वायर, वीडेस का स्क्वायर, और ये हाफ वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। टू को इधर लिया तो ये क्या माइनस 2gm/r इक्वल टू क्या है? v डैश का स्क्वायर माइनस क्या है पुत्र? v स्क्वायर। लेकिन प्रति नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं, v डैश का स्क्वायर है वो v स्क्वायर हो गया। अब तू एक काम कर, इसका दोनों तरफ रूट कर दे,
रूट कर दिया, रूट करने के अंदर रूट माइनस में आ गया, तो एक काम कर माइनस को चेंज कर लेते हैं, रूट पहले नहीं करते हैं, एक काम करें तो रूट करोगे तो ये तेरा बनेगा 2gm अपॉन r इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर। यस, सीधी सी बात है, v स्क्वायर तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ये कौन है ve, ये कौन है स्क्वायर, आपकी कौन है ve, तो दोस्तों ve का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया। yes. अब अपने को v तो क्या है, उसका इनिशियल वेग है। yes. v डैश कौन है, जिस वेग से वो चक्कर लगाएगा, एक्सेल वेलोसिटी कौन है, जो उसकी होती है, हमें क्या चाहिए, v डैश चाहिए, हमें हमेशा v डैश चाहिए, तो v डैश को इधर लाओगे तो v डैश स्क्वायर बराबर क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। हकीकत में दोस्तों ये है कि v डैश का मान है v स्क्वायर माइनस ve का होल स्क्वायर। बिल्कुल, अब सुन ले भैया कि एक्सेल वेलोसिटी से बराबर वेग से फेंकेगा, जीरो हो गया, v है जिस वेग से फेंका है, ve एक्सेल वेलोसिटी है, और v वह वेलोसिटी जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाती है, तो याद कर ले फेंके गए वेग का स्क्वायर माइनस एक्सेल का स्क्वायर का रूट इक्वल टू v डैश। ओके डियर, हो गया। अब आ जा भाई, क्वेश्चन कौन भगवान बेटा अपना, ये लो जी, ये आ गया। अगला साहब कहता है किस नियत वेग से गति करेगा, आ जा, तो v डैश इक्वल टू क्या आया भैया, जरा बोलना, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर जिसे फेंका है वो कितना है 2vs, होल स्क्वायर कर तो 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रूट 3v रूट 3v। अब जरा समझने की कोशिश करो लड़के, क्या पता नहीं भगवान ने क्या पढ़, एक तो भाई सुनो रे, नोट्स बायोलॉजी के बनते हैं, नहीं बनते फिजिक्स के। आजकल नीट की प्रिपरेशन कुछ हमारे गुरुजन भी शामिल हैं, कुछ हम कोचिंग वाले भी शामिल हैं, हम खड़े हो के फिजिक्स के भी ऐसे नोट्स तैयार कर देते हैं, जैसे बायो के, बायो अलग है भाई, फिजिक्स अलग है। यदि तेरे को एक्सेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पले पड़ गया, एक बार खोपड़े में सेट हो गया, मेरा एक फंडा है, साइकिल एक बार चलाने सीख ली ना, तो तब बुढ़ापे में जाके चला लोगे, गारंटी है। देखो सुनो, आपके गांव में क्या शादी होती है, गांव शहर में कई बार 65-70 साल के बूढ़े डोकरे डांस करते हैं डीजे पे, तो डांस अच्छा भी कर लेते हैं, तो वो अब नहीं डांस सीखे, वो जो 7-8 साल के थे ना, तो डांस का शौक था, आज डीजे बजता है उनके पांव अपने आप उठते हैं। कला कभी आदमी भूलता नहीं है, तो पढ़ाई एक कला है, सब्जेक्ट एक कला है, फिजिक्स एक कला है, एक बार सीख गए ना। मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया था, जैसे ही कोरोना का प्रेशर पड़ा मैं खड़ा हो गया, और वो किशोर कई बार कहता है कि वो पता नहीं आपके अंदर से कहां-कहां से आता रहे, क्योंकि अंदर पड़ा सामान याद निकलता रहता है। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी का पूरा प्रश्न हो गया, ठीक है बॉस। इसमें बच्चे को अगर तुरंत करना हो, हाँ, तो मैं इसकी एक चीज अभी शेयर कर सकता हूं। बिल्कुल तुरंत करें, करनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से मैं किसी बॉडी को फेंकने जा रहा हूं, ठीक है, तो जिस वेग से मैं फेंकता हूं वो मेरा है प्रोजेक्शन स्पीड, बीपी कह दे, बीपी मान लो, बीपी कह दे इसको, और ये अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अनंत को पार करने के बाद इसकी स्पीड अपन ने जो अभी अपन ने बोली थी वी ली, इसको अपन लिया वी डैश स्पीड, ठीक है, या इसको मैं ऐसे मान लू वी अनंत, ठीक है। अब मैं बात सोचने वाली कह रहे हो कि अगर मुझे इसको ग्रेविटी लिमिट को ठीक पार ही करना है, हाँ हाँ, तो हम ये जानते कि हमें यहां से जो वीपी देनी पड़ेगी वो तो आपका वी ई है। यस, अब मोटे तौर पे देखो हमें इसमें साइंस लगानी नहीं है, हाँ? हमारे पास 3 स्पीड आ गई, एक तो फेंकने वाली VP, yes, VE, VE, और VDS, VDS, yes, 3 आ गई। सही, अब हमें पहले ये सोचना है कि इन 3 में से सबसे बड़ी कौन सी है, फेंकने वाली, और शेष 2 छोटी हैं, बिल्कुल है, और वो छोटी होगी प्लांट छोटी होगी, बिल्कुल। तो अब आपको इतना सा खेल है कि जो बड़ी है ना, yes, जो बड़ी है VP, yes, उसका स्क्वायर दोनों शेष जो ना, यानी v स्क्वायर प्लस v डैश के स्क्वायर के बराबर है, खत्म किया, बस ये कर लो, v v VP फेंकने वाली है, ये तू तेरा VE कह दे, v डैश कह दे, बात हो जाएगी, बिल्कुल सही बात, ये क्या तुरंत दिमाग में रहेगी साहब, बड़ी कौन सी है, आगे वाले बात का मजा, तो उसे तुरंत किस में जाएगा, ये बच्चों सुनो, यही पढ़ाई है। ऐसे देखो कई बार गार्जियन आते हैं, चार श्रवण जी रूम में एक, अरे 2 बच्चे रूम में रहो, 2 साथ एक रूम में रहो, जैसे हम आप डिस्कस कर रहे हैं वैसे डिस्कस, सब्जेक्ट को डिस्कस कर, फिर देखो बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जा, आ जा पुत्र, क्या है ये, कहता है m मास का एक पिंड है 2r रेडियस कक्षा में है, 3r में भेजने की आवश्यक ऊर्जा, दांत हो गई, ये तो हमारी पृथ्वी है भैया, देखो ठीक है, ठीक है, दूरियां कहां से मेजर होंगी, सेंटर से, सेंटर से कहां रखा हुआ है 2r पे, कहां रखा हुआ है 2r, 2r पे कहां भेजना है 3r, सीधी सी बात,
कॉमन सेंस की बात है यार, एक बॉडी यहां रखी हुई है, उसको यहां से दोस्तों यहां भेजना है, तो यार एक चीज को यहां से उठा के यहां पर जाने में कार्य करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, गुरुत्व के खिलाफ खिलाफ गुरुत्व के खिलाफ। तो दोस्तों अगला कहता इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का सीधा मतलब डब्ल्यू। बिल्कुल, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, प्लस डेल्टा यू, प्लस डेल्टा यू। सीधा आज तक हमने पढ़ा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वो तो तब था जब काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। यहां आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू दोस्तों फिर तू जानता है परिवर्तन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बस, और यू क्या होता है, यू में जानता होता है जी एम एम अपॉन आर स्मॉल आर, एक ही बात स्मॉल आर। अब देख व्हाट इज यू फाइनल, यू फाइनल क्या होगा, थ्री आर में, थ्री आर तो माइनस जी एम एम अपॉन थ्री आर, थ्री आर ये माइनस माइनस प्लस जी एम एम अपॉन टू आर, टू आर। तो कहने का मतलब सीधा सा हो गया डीएल, इसको मिटा दूं मैं तो तेरे सामने ये जो डब्ल्यू जो आएगा ना, ये एक्चुअल ऐसे कर लिया कर जी एम एम आर वन माइनस जी एम एम आर टू, देखो वैसे हो गया ओके। तो डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम को बाहर ले ले, फिर क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन टू आर, यस वन अपॉन टू आर माइनस वन अपॉन थ्री आर, इसको तो सिक्स आर लगता हमने, तो ये तेरा कितना बचेगा, तीन माइनस एक बचेगा, तो जी एम एम, तो जी एम एम अपॉन सिक्स आर, जी एम एम अपॉन सिक्स आर, ये तेरा आंसर आ गया। यहाँ एक बात ध्यान देना दोस्तों, बार बार बात कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम एन ऑर्बिट टू आर से आपको थ्री आर पे जाना है, वर्क करना, कॉमन सेंस की बात है। एक जो यहां से उठा के यहां तक जाओगे तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो वो क्या है, डेल्टा यू। वस्तु पहले भी रखी हुई थी, वस्तु बाद में रखी हुई है, तो काइनेटिक क्या है, जीरो, खत्म है। अब इसमें डेल्टा यू रहेगा, अक्सर हमने पढ़ा माइनस यू, बार बार कह रहे हैं वो कब होता है, जब काम कौन करता है, यहां उसके खिलाफ काम करना पड़ रहा है। ओके डीएल, आगे चले। और एक बात यहां और भी है, एक बात आपने सुनी होगी, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से किसी वस्तु को एच हाइट तक स्थापित करना हो तो आपको कितना कार्य करना होता है, फिक्स फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर, याद कर लेते हैं बात, बिल्कुल लाट वाले स्कूल है। तेरे को किसी वस्तु को पृथ्वी की सरफेस से एच हाइट पे स्थापित करना है तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो होता है एम जी एच बटे वन प्लस एच बाई आर, यही डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, बोला है ना, बिल्कुल क्योंकि सर फिट पुत्र, ये ले ए, ये बिटा दिया क्वेश्चन में आ जा। वो कहता पृथ्वी का क्षेत्र कितनी है, 11 होती है जानते हैं, पर एक ऐसा ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है परंतु माध्य घनत्व है, अब सुन लड़के डेंसिटी आ गई है, डेंसिटी आते ही आर रूट डी ना, हाँ आर रूट डी, यस आर रूट डी। देखो डियर वी का फॉर्मूला है, वीई का फॉर्मूला है 2gm by r, बट ये काम क्यों नहीं आया बोल, इसलिए काम नहीं आया क्योंकि मुझे मास नहीं दिया हुआ है, मेरे क्या दे रखे थे, नहीं डेंसिटी, फिर अपना मास्टर फंडा जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ ए, और समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दिखाओ, तो आ जा भैया v1 equal to r1 cos तक में रोमन बोल दो, एक ही बात है डी बोल दो, v2 r2 root rho2, बस। अब क्या कहता है, पृथ्वी पर अप्लाई नहीं रहेगी, V1 मान लो पृथ्वी को, चलो अर्थ को क्या मान लो, V1, V1. तो सुनो भैया V1 अपॉन V2 इक्वल टू रो वन अपॉन रो टू मल्टीप्लाई R1 बाई R1 बाई R2। अब देखो तो तरीका होता करने का, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया आपको, समझ लो V1 अर्थ का मान लो, तो V1 कितना है 11, अगला कौन है V2, डेंसिटी कॉन्स्टेंट। अगला कहता है ऐसे ग्रह ना परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के बराबर है, बराबर है तो रो बी और रो बी। अब दोस्तों आर वन पृथ्वी गई है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, ये तेरा टू आर है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, वी टू को जाए 11/22, आंसर आ गया 22 किलोमीटर पर सेकंड। बोला है ना, 45 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7-8 मिनट ऐसे आएंगे, पहले ये था फिर ये हो गया, समीकरण एक बनती है, समीकरण दो बनती है, एक में दो का भाग लगता है, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, और ये प्रैक्टिस के लिए तभी हमने ग्रेविटेशनल के 70 क्वेश्चन आपके लगभग लिए लोगों ने। आगे चलो भैया,
मेरा क्वेश्चन आ गया, अभी आ गया। The change in the gravitational energy when a body of mass m rise to height nr above the surface of the earth, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी की सतह से कहां से सरफेस से m मास को nr ऊंचाई पर विस्थापित करें तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ओ लड़के, इसको आप डेल्टा u बोल दो चाहे w बाद में होती रही। यस, एक ही बात, बिल्कुल स्थिर ऊर्जा बोल दो चाहे में परिवर्तन बोल दो चाहे कार्य बोल दो। ओके डियर, और इसका फॉर्मूला मैं तेरे को पढ़ा चुका हूं भाई, याद कर ले रहे। W बराबर एम जी एच वन प्लस एच बाई आर, तो एम जी एच कितना भैया एन आर, यस यस, एच कितना है एन आर, ओ लड़के बोल थोड़ा सा यार, एच कितना है एन आर, ये ले लड़के, तो एम जी आर एन अपॉन एन प्लस वन। क्या एक बात होती है, जब आप किसी चीज में कंफ्यूज हो जाएं तो उसको तीन बार करो जो आपको ढंग से आती है। इसमें W इक्वल टू डेल्टा U को लेके लोग बार कंफ्यूज होते हैं, कई टीचर्स को देखा मैंने कि साहब आपने कभी माइनस डेल्टा U बढ़ा दिया तो प्लस डेल्टा U बढ़ा दिया, ये तो तब है जब कार्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया जाए, ये तब है जब कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाए, ग्रेविटेशन के विरुद्ध किया जाए। ए ये मिटा दिया, ये याद कर ले, अब सुन ले, आंख बंद कर। यदि पृथ्वी की सतह से एम मास को एच हाइट तक लेके जाएंगे तो चेंज इन एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्थिति ऊर्जा या कार्य बोल दो, एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर बोल। हाँ या ना है मजा, चल आगे चल भैया, आगे चल, फिर वो आगे देख, वो कहता अर्थ के सरफेस पे एक्सेप्ट वी है, पृथ्वी की सतह से सात आठ ऊंचाई उसी पिंड का प्लाइन में क्या होगा? अब देख भाई, सुन ध्यान से सुन, ये देख, ये पृथ्वी है और ये इसका चारों का फील्ड है, यहां से वस्तु को बाहर भेजना है, तो एक आदमी दोस्त यहां से बाहर फेंके और एक आदमी यहां से कहीं से बाहर फेंक रहा है, कहां से? सेवन आर से, तो कॉमन सेंस की बात है यहां से बाहर फेंकने में जोर कमाएगा, कमाएगा, सीधी सी बात है, यहां की एनर्जी है ना, सुन ध्यान से भाई, कितना है पृथ्वी की सतह? सात आठ है, टोटल आठ आर हो गया भैया, ध्यान देना चीज का, ये बड़ा पंगा है, अर्थ से सात आर है तो टोटल क्या होगा? एट आर, तो यहां एनर्जी क्या है? जी एम एम अपॉन एट आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। यस, फिट और बोल ना, अपना फिट ही है, उसके फिट करनी। देख बच्चे, यहां से फेंकना है, एक यहां से फेंकना, अरे कॉमन सेंस की बात है, क्लास छूटती है तो एक लड़का आगे बैठा है, एक पिछली बेंच बैठा है, क्लास तो बराबर छूटती है, पर ये पहले भाग जाएगा, उसको वो बाद में भाग जाएगा बेचारा, वही बात यहाँ के साथ है बस। लेकिन सेवन आर कहां से? सरफेस से है, तो टोटल क्या हो गया? एट आर, जो दूरियां कहां से मेजर करनी? सेंटर, सेंटर से मेजर कर, बस इक्वल टू कर दे, तो जी एम एम अपॉन एट आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू टू, ठीक है। यस, अब अगला साफ कहता है, पूछता क्या है, प्लैनेट में पूछा गया इसका, उसी प्रिंट का प्लैनेट में, यानी यहां का वीडियो कर दो, ये भी वो भी निकालना, एम से एम कैंसिल आउट कर दे। अब देख तू, देख ध्यान से देख, टू को ऊपर ले दे, नहीं नहीं काट दे, ये चार कर दे, आ जा, तो क्या क्या होगा? वी स्क्वायर वी बराबर, ओ पुत्र पुत्र ऐसे नहीं, वी स्क्वायर बराबर क्या है? जी एम बाई एच जी एम अपॉन फोर आर, ठीक है डियर। अब सुन, रूट कर, रूट करेगा तो जीएम अपॉन क्या आएगा? फोर आर। अब तू इसको दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर, दो से नीचे मल्टीप्लाई कर, तो टू जी एम बाई आर वो क्या हो गया? वीई, वो क्या हो गया? वीई, उसको बाहर ले ले, ये एट है, एट क्या होता है? टू रूट टू, इसका आंसर है वी अपॉन टू रूट टू, ये लगे वी अपॉन टू टू रूट है, ये जैसा कहता वैसे वैसे करते जाओ। मुद्दे की बात यह है, वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आगे चल, आ जा भैया, भगवान चल बेटा, फिर हो जाएगा। यस, वो कहता, ये प्रैक्टिस आपके लिए, किसी ग्रह की प्लेनेट की प्लैन वेग का मान कितना हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का छह गुना हो, त्रिज्या, ओ मास 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 आ गया, ए टू जी एम अपॉन आर। तो इसका एक तरीका मेरा करने का, जो कैसे करूं मैं इसको, मैं वी डैश करूं। यस,
मास जहां है वहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल, रेडियस है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस, ये एक्चुअल में नया कितना आ गया तेरे 3 आ गया, तो दोस्त हकीकत में क्या आ गया √3 भी क्या देखा था, बिल्कुल 2cm/r तो पहले से पढ़ा ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना √3 से, जब दिमाग में का फॉर्मूला रख ले जहां जहां चेंज, लेकिन ध्यान यहां मास और आ रहा है तो ये फॉर्मूला काम आएगा, यदि डेंसिटी और आर आता तो पहले वाला आर, ये आर वाला उंगलियों पे कर ले यार, अरे बायोलॉजी नहीं है, इसके नोट्स नहीं बनते हैं, नोट्स खोपड़े बनते हैं इसके यार, आगे चलो, फिर वो आगे देख, अगला कहता चंद्रमा और पृथ्वी के, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, मास ऑफ मून इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ऑन 81, ये ले, यस, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या 1/4 है, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस अर्थ अपॉन 4, ये पृथ्वी की सतह से प्लाइन वे कितना है, तो चंद्रमा की सतह से प्लाइन वे क्या होगा, तो भैया आ जा 2gm अपॉन r, कलर चेंज कर लो तेरे समझने के लिए, तेरे कलर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको v डैश बोल, तो जहां m लिखा हुआ है वहां m अपॉन 81 कर दे, यस, जहां r लिखा हुआ है वहां 4 कर दे, यस, कर दिया, तो तेरा v डैश ये तेरा कोण है पृथ्वी कितना है 11 मल्टीप्लाई ऊपर 2 हो गया, नीचे क्या हो गया 9 हो गया, ओके डियर, ये तेरा 22 में 9 का भाग दे तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 2 × 3 के बीच है आंसर, एक है, वैसे याद रख ले तो चंद्रमा का प्लैन वेग 2.5 होता है, याद कर ले, बिल्कुल चंद्रमा का प्लैन वेग 2.5 होता है। एक बात यहां कहना चाहूंगा, स्पेशली करना बेटा, ये कोई भी ग्रह है, ये पृथ्वी हो सकती है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, दोस्तों प्लाइन वेग जितना कम है, ध्यान देना, एक्सेप्ट जितना कम है वहां वातावरण उतना ही विरल होता है, वहां कण भागते रहते हैं, और जितना प्लाइन वेग ज्यादा होता है तो भाग नहीं सकते, वहां उतना वातावरण घना होता है, डेंस होता है, चंद्रमा पे प्लाइन वेग नहीं है, सॉरी चंद्रमा पे वातावरण वायुमंडल नहीं है, यस यस, ध्यान सुन, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो पार्टिकल है उनका जो ऑलरेडी प्लाइन वेग है वो उसके आरएमएस वेग से ज्यादा कम है, आरएमएस से कम है, आरएमएस ज्यादा है, आरएमएस वेग प्लाइन वेग से ज्यादा है, यस यस, दोस्तों कई बार चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि उनके कणों का जो वीआरएमएस है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो प्लाइन वेग से पहले से ज्यादा है, यानी वहां से पहले ही वहां से प्लान कर सकते, इसीलिए वातावरण नहीं है, नहीं, तो ये बात ध्यान सुनना कि कहीं वातावरण डेंस है इसका मतलब एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, और जहां वातावरण नहीं है वहां प्लाइन वेग कम, बहुत कम, ओके डियर, आगे चलो, फिर आजा पुत्र, कोई उपग्रह अपनी कक्षा के पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा, उसकी गतिज और स्थिति पे पेज खाली कर भाई, दोस्तों अब हम आपको ग्रहों की गति के बारे में बात करेंगे, पहले प्लैनेट में सारे क्वेश्चन हो गए, अब बात शुरू करते हैं, आ जा, ये दो टॉपिक है डियर, ये कोई ग्रह है और ये इसके चारों ओर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, याद करो ये आपका कोई न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सुन ले भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना किसी प्लेनेट के चारों ओर सैटेलाइट घूमना बहुत आसान, दोनों के पथ इलिप्टिकल है, दीर्घ वर्ताकार है, लेकिन सारे डेरिवेशन किसके लिए है, सर्कुलर के लिए है, वर्ताकार के लिए, ध्यान सुने, पथ सर्कुलर नहीं है पर तो इलिप्टिकल है, दीर्घ वर्ताकार है, लेकिन सारे डेरिवेशन जो किसके लिए है, सर्कुलर के लिए है, अब आ जा सुन, अब मैं इसको एक बार मिटा दूं डियर, तो यहां ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक एम मास का सैटेलाइट घूम रहा है, मुझे इतना ही पता है, आर कहां से, सेंटर से, मुझे इतना ही पता है घूमने के लिए एम यू स्क्वायर बाई आर चाहिए, जो कहां से आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से, सेम बात उसके साथ है, मुझे वहां भी एम यू स्क्वायर बाई आर चाहिए, वो किससे आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से आएगा, अब इसकी बात को यहां नहीं करूंगा, समझा दिया आपको मैंने, डीएल आर आर से कैंसिल आउट कर दे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी एम एम अपॉन टू आर, दिस इज एनर्जी ऑफ काइनेटिक है, तो भैया तेरे सामने फॉर्मूला आ गया जी एम एम अपॉन टू आर, ये ले आर कहां से, सेंटर से, एम ग्रह का मास, ग्रह का स्मॉल एम उसका सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट का मास, अब दोस्तों सुन लो कि कोई भी सैटेलाइट किसी ग्रह प्लेनेट के चारों ओर आर सर्कुलर सर्कुलर है,
चक्कर लगा रहा है, तो इनर्जी कैलोरी भी क्या है, जी एम अपॉन टू आर, और यू क्या होती है वीडू, माइनस जी एम एम बाई आर, जानते हैं पहले से कैलोरी कितनी है, जी एम एम अपॉन टू आर, कितनी पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन टू आर, तो ई टी टोटल कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। तो मेरी क्लास का मैं सिस्टम करने जा रहा हूं, गतिज अनुपात स्थितिज अनुपात टोटल, काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल रेशियो टोटल, दिस इज जी एम एम अपॉन टू आर रेशियो माइनस जी एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। मेरी क्लास का सबसे सुंदर करने जा रहा हूं मैं, एक बट्टा दो अनुपात माइनस एक अनुपात माइनस एक बट्टा दो, एक अनुपात माइनस दो अनुपात माइनस एक, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और ये सेम फॉर्मूला लगता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस चारों चक्कर लगाता है, ध्यान से बैठ जा, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एक अनुपात माइनस दो अनुपात माइनस एक। और इसका एक सार क्या निकला कि दोस्तों ये आपका कोई प्लेनेट है, इसके चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, बंधा हुआ है, तो उसकी कुल ऊर्जा है माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। यदि उसको यहां से भगाना है तो इसको पॉजिटिव कर दो, यस इट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, यस यस इट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसका नाम बंधन ऊर्जा हो सकता है। केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो इसी का नाम आयनरी ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी यह बंधी हुई है। और एक बात यहां सुनना रहे, कोई वस्तु किसी से तब तक ही बंधी हुई रहेगी जब तक ऊर्जा नेगेटिव है, यदि ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो बंधी हुई नहीं रह सकती। ओके डियर, इसके ग्राफ भी खींचना चाहे पर खींच सकते हैं डियर, इधर आर लो, इधर लो गतिज ऊर्जा, ये ग्राफ आएगा क्यों, तो खुद दे इक्वल टू क्या है जी एम एम अपॉन टू आर, तो ई आर के इनवर्स है, यू क्या है माइनस जी एम अपॉन टू आर, सॉरी सॉरी आर, तो ये नेगेटिव है, तो ये तेरा नेगेटिव आ गया। उसके बाद दोस्तों ई टी क्या है माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, तो ये थोड़ा सा दो ग्राफ बनेंगे, तो ये ग्राफ ई का है, ये ग्राफ यू का है, और ये ग्राफ दोस्तों आपका ई टी का, इसको बढ़ाया गया क्योंकि नेगेटिव में ये कम हो गया, बस ये लो ग्राफ हो गया। ये किसका है गतिज का, ये किसका है पोटेंशियल का, ये किसका है टोटल का, लाइन नीचे क्यों आए क्यों माइनस में, सारी बात समझो यार, ये दोनों आइडेंटिकल आइडेंटिकल। ओके डियर बेटा, अब अपन यहां एक बात और भी करना चाहेंगे कि ये रूल किसने दिया, क्या हुआ, ये कैसे ग्रह कैसे गति करते हैं, बात कर ले। ये दोस्तों माना कि कोई ग्रह है और इसके चारों ओर ऐसे उपग्रह घूमता दीर्घ वृत्तांत में, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता, दिमाग मत लगा ज्यादा यार, देख डियर यहां पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस आर वन है, माना इसका वेग वी वन है, यहां पार्टिकल है R2 है, वेग V2 है, सुन ले रहे M V1 R1 बराबर M V2 R2, M तो वही है, पार्टिकल तो वही है, तो दोस्तों V1 R1 इक्वल टू V2 R2, ऊपर ढंग से बात करूं तो V मैक्सिमम R मिनिमम V मिनिमम R मैक्सिमम मैक्सिमम, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से कहने का मतलब है नजदीक है तो आर कम है तो वेग ज्यादा है, दूर है तो आर ज्यादा है तो वेग कम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की पालना यहां करती है। और ये सारा का सारा खेल तो किससे आता है, ये सारा का सारा खेल किशोर दिमाग में बात आ गई मेरे, तो ऐसे कर दूं मैं दोस्तों, इसके द्वारा एरिया, तो इसके द्वारा एरिया माना कि बड़ा हो गया तो ये पतला हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एरिया दोनों के क्या होंगे बराबर, दोस्तों यहां ये कह सकते हैं डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, और इसको मैं गुणा भाग करूंगा ना तो ये तेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करेगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वी आर इक्वल टू क्या होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग से बात जानते हो ना, एम वी आर क्या होता है कोणीय संवेग, जो हमेशा क्या रहेगा इसमें कंजर्वेट रहेगा, ध्यान सुन ले बात को, डीए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, देख ये नजदीक है ना तो ये छोटा है तो मोटा हो जाएगा, ये लंबा है तो पतला हो जाएगा, एरिया चेंज नहीं होगा, नहीं होगा समय के साथ, यस यस फिक्स समय के, इससे कई बार आता है सेम टाइम, सेम टाइम वो तो सेम टाइम लेना होगा, टाइम सेम लेना, नहीं तो बात क्या है, तो जिस समय ये समय टी वन है ये समय टी टू है तो टी वन टी टू के बराबर हो जाएगा, तो ये तेरा डीए बाई डी टी दोस्तों आपके सामने बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा किशोर अपने इसको और कर ले बच्चों के लिए, ये माना कि आपकी कहानी यहां है, ये आपका ये एरिया है और ये आपका कोई ये एरिया, बात तो एक ही है, यस ठीक है डियर, ये क्या बन रहा आपका
ट्रायंगल बन गया, यस त्रिभुज बन गया। तो थोड़ी सी बात करना ढंग से बच्चों के लिए, बच्चे भी क्या रखेंगे। dA by dt क्या है? कांस्टेंट। dA by dt व्हाट इज एरिया? एक बटा दो त्रिभुज है, यस। आधार, आधार क्या है? यस r। ऊंचाई क्या है? vdt। vdt यस, कितना है? vdt। अरे भूल गए क्या यार, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या होगी? वेग गुणा समय। अब एक बटा दो को बाहर ले, ठीक है डियर, और तेरे आर को बाहर ले, अंदर क्या बचा? डीटी कट गया, वी, तो ये आर वी बाई टू नहीं हो गया क्या? रहे बोल बोल, अरे बोल यार, ये तेरा क्या हो गया? आर वी बाई टू, एम से ऊपर गुणा कर दे, एम से गुणा कर दे, क्या बन गया? कोणीय संवेग, तो ये क्या बन गया? जे बाई टू। आज की क्लास का सुंदरतम जे बाई टू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे करने क्या फर्क पड़ता है यार। अब्दुल्ला जी, तेरे को अल्टीमेट याद रखना है, जब भी कोई प्लेनेट, कोई सैटेलाइट प्लेनेट के चारों चक्कर लगाता है, कोई उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाता है, उसका पथ इलिप्टिकल दीर्घवृत्ता का, गुणा बाकी से होगी एंगुलर से, वो एंगुलर मोमेंट ऑफ कन्वर्जन को फॉलो करता है। तो क्षेत्र ये dA / dt क्या है? कांस्टेंट है। केप्लर का इसको नियम कहते हैं। ध्यान देना चीज पे, और एक बहुत सुंदर चीज आएगी इसमें, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर क्यूब। इसका जो आवर्तकाल है वो इसके आर क्यू, और आर एक्चुअल दोस्तों यहां देखा जाए तो ये होता है आर, होता है आर वन प्लस आर टू बाई टू, मीन रेडियस, क्योंकि मीन रेडियस कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, तो इसको बोले कि इतना चक्कर नहीं पड़ेंगे। यू तो वो एक उत्केंद्रता एक शब्द आएगा, स्मॉल ई अनसर्टेनिटी, वो हमारे मेडिकल नहीं आता है, चक्कर नहीं पड़ेंगे। हम कहेंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, ये केप्लर का नियम है, ये क्षेत्र का एरिया का कितनी है? ये हम आपको बताना भूल गए कि कक्षीय वेग क्या है, कक्षीय चाल क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ाया आपको? एक्सेल वेलोसिटी। कक्षीय चाल क्या है? तो कक्षीय चाल क्या है भैया? रूट जी एम बाई आर। वी इक्वल टू है रूट जी एम बाई स्मॉल आर। ये कौन है? वी ओ, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी, और लड़के दिस इज एक्सेल वेलोसिटी टू जी एम बाई आर। यहां भी स्मॉल एम नहीं आ रहा है। उपग्रह के मास का कक्षीय वेग से कोई संबंध नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड मास ऑफ सैटेलाइट। यस बोल है ना? यस। तो तेरे सामने ये थोड़ा साफ लिखते हैं, बच्चों को नहीं पहले पढ़ रहा हो। तो दिस इज v इक्वल टू टू जी एम बाई आर। यस ठीक है डियर, बात ये तो करोगे यार आप, और क्या करोगे बात। तो डियर आपके सामने सब चीजें आ गई, इन सब की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो तेरे सामने सॉल्यूशन कर दूं पूरा मैं। ये आएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। यानी कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ध्यान देना, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है? yes. पहला प्रश्न, हाँ क्या है? तो तू जानता है चक्कर लगा रहा है तो कहां से आया? एम स्क्वायर बाई आर। वो कहां से आएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर, आर कैंसिल आउट। यहां से आ रहा है, जल्दी बाजी मत कर यार, जल्दी आएगा हमसे जी एम अपॉन आर। दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, this is axial velocity, yes. this is Kepler नियम, और mvr equal to constant इसका बेस है, yes. angular momentum conservation, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो तुम जानते हो डियर, जब टॉर्क जीरो होता है तो angular momentum conservation होता है। ये तो बातें घूमती आएंगी, नजदीक हो तो स्पीड ज्यादा होगी, दूर हो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि v और r का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये सब चीजें इसमें काम आई, और इसी के साथ अपने इस थ्योरी की बात खत्म कर ली। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तर्पुतर, तो कोई सैटेलाइट अपने कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? गतिज एक अनुपात माइनस दो अनुपात माइनस एक। तो साफ साफ हो गया माइनस एक बटा दो भैया, ये रहा गतिज अनुपात स्थिति, yes. एक बटा माइनस दो। यू कह दो गतिज माइनस टेन है तो पोटेंशियल माइनस ट्वेंटी होगी और टोटल माइनस टेन होगी। बहुत बार एग्जाम आता है भैया, केमिस्ट्री भी आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है। आगे चल उत्तर आ जा भैया। पृथ्वी तल पे प्लाइन वेग वी है,
तो उस प्लेनेट से प्लाइंट में क्या होगा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है और घनत्व पृथ्वी का 9 गुना है। सुन बच्चे, अपना तो सीधा फंडा है, आर बाहर निकाल, रूट डी को अंदर ले, कलर चेंज कर ले, दिमाग लगाता है क्यों है, आजा गुणा किस किससे करना है, त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुनी है, बाहर 4 से गुणा कर दे, कलर चेंज करो तेरे, बाहर किससे गुणा कर दे, इसको बी डैश कर दे, घनत्व कितना है 9 गुना है, अंदर 2 कर दे, तो अंदर का 3 बाहर आया, बाहर का 4 आया, दोबारा हो गया, बिल्कुल सिंपल बात है। यस, कुछ नहीं करना होता यार, लेकिन पेन चलाना पड़ेगा, ओ लड़के पेन चलाना पड़ेगा। अब बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, कॉपी पेन होती नहीं है, बायोलॉजी नहीं है भाई, हम आपको ज्यादा बायोलॉजी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप सोच रहे यार बायोलॉजी, वहां दोस्तों अलग है, वहां थ्योरी कॉन्सेप्ट, यहां कुछ गुरुत्वाकर्षण में मुश्किल से 15 से 20 स्टेटमेंट है, वो पल्ले पड़ गए, बात पूरी सही, आगे चले। फिर वो चीज आ गई, पृथ्वी में कृपा प्राइमरी वी है कि सैटेलाइट का वीपी है, क्या रेशियो कुछ है, त्रिज्या और घनत्व है, आ जा तो वीई अपॉन वीपी इक्वल टू आर ई अपॉन आर पी रूट में रो ई अपॉन ई फॉर अर्थ। यस, ये कैपिटली गलत है, इसको कैपिटली गलत है, दिक्कत नहीं है। बस अगला क्या क्या कह रहा है, त्रिज्या और घनत्व है दुगने है, त्रिज्या भी दुगनी है, किसका, पृथ्वी का प्लैनेट वी, उस ग्रह का प्लैनेट वी क्या होगा जिसकी जिसकी दुगनी मतलब 1/2 रूट 1/2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है बिल्कुल, 1:2√2। यस, प्रैक्टिस होगी ना यार तेरी, चलो आगे। फिर वही बात आ गई, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले, अब एक नई बात आ गई, देखो दोस्तों बेटा, यहां 2 संबंध आएंगे, एक आएगा भू निकट उपग्रह, एक आएगा भू स्थिर उपग्रह, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, एक है भू स्थिर, भू स्थिर मतलब पृथ्वी के लिए स्थिर, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक अर्थ के निकट है, निकट नियर टू अर्थ, दो शब्द हिंदी में, भू निकट और भू स्थिर। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे भू स्थिर उपग्रह की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दोस्तों ये हमारी अर्थ है, कोई सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वो लगता है कि पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के लिए वो स्थिर है। इस पे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, सुन लो क्या है, पहला क्वेश्चन, दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह। सबसे पहले तो इस उपग्रह की हाइट 6,036। इसकी हाइट दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की हाइट जो है वो पृथ्वी की सतह से कहां से भाई, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर। पहला प्रश्न, ध्यान सुनो, नाम क्या इसका, जियो स्टेशनरी, ये वह उपग्रह है, पहला प्रश्न है, इसका आवर्तकाल कितना, 24 घंटे, इसको तुल्य इक्विवेलेंट भी कहते हैं, दूसरा यही हमारे टीवी चलाने में काम आता है, इसलिए इसको सैटेलाइट उपग्रह भी कहते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है उससे आती है, संचार उपग्रह, इसको सैटेलाइट कहते हैं, इसका आवर्तकाल 24 घंटे है और दोस्तों इसकी पृथ्वी से ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है, यानी एक्चुअल में जो इसका स्मॉल आर है, रियल में जो स्मॉल आर है वो दोस्तों हकीकत में 7 आर के बराबर है, तो 7 आर के बराबर होने का मतलब एच का मान क्या हो गया, 6 आर हो गया, और आर दोस्तों हम जानते हैं 64 से होता है, तो 6×6=36। तो सुनो, इसका आवर्तकाल 24 घंटे, संचार उपग्रह है, सैटेलाइट बोलते हैं, तुल्यकालिक बोलते हैं, और एक इसका जो अक्ष है वो हमेशा भूमध्य रेखा के साथ होता है और बाहर से कहीं भी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए भारत में किसी भी स्थान पर सेट नहीं कर सकते। आता कई बार क्या दिल्ली पे सेट कर सकते हैं, दिल्ली की बात नहीं है, इंडिया में इसको कहीं भी सेट नहीं कर सकते अर्थ के लिए, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, भूमध्य रेखा जो है वो भारत से कहीं गुजरती नहीं है, इसलिए वो वहां सेट नहीं कर सकते। 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट है। ओके डियर, ये तेरे सामने की व्यवस्था होगी। इसके बाद दोस्तों एक आता भू निकट, एक कोई सैटेलाइट है जो पृथ्वी के बहुत नजदीक घूम रहा है, पृथ्वी के बहुत नजदीक घूम रहा है। एक बात इसमें मैं आपको और कहना चाहूंगा किशोर सर, कि जो हमारा भू स्थिर उपग्रह था ना, उसका प्लाइन वेग होता है 3 किलोमीटर/सेकंड का। यस यस, यानी जो मेरा भू स्थिर उपग्रह है, जो मेरा जियो स्टेशनरी उपग्रह है, उसको मुझे वहां से प्लाइन करना है, लेकिन बस हाँ उसकी ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय वेग, उसका कक्षीय वेग क्या है 3 किलोमीटर और अर्थ के निकट जो है इसका लगभग होता है 8 किलोमीटर/सेकंड। यस, तो बात क्या क्या आई,
भू निकट का मतलब पृथ्वी के नजदीक, उस पे एक ही बात याद रखें, इसका ऑर्बिटल स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमारा भू स्थिर है जो जियोस्टेशनरी है उसकी ऑर्बिटल स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का प्लैनेट भी कितना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखा चीजों बिल्कुल बोल है ना यस भाई मेरे, बातों बातों एक बात और कर दूंगा यार, वी इक्वल टू क्या है रूट 2gm/R, वी ओ इक्वल टू क्या है रूट gm/kPr, दोस्तों हकीकत देखा जाए तो आपका वीई क्या है रूट 2V0 है, मैं मेरी क्लास का सुंदरतम करने जा रहा हूं, मैं मेरी क्लास का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं, V इक्वल टू है रूट 2VO, दोस्तों V रूट 2 का मान है 1.414 V0, इसको मैं चेंज करूं परसेंटेज में तो दिस इज 141% ऑफ VO, यानी कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दो तो वहां से वो क्लाइंट कर जाएगा बिल्कुल, या यूं कह सकते हैं गति ऊर्जा को डबल कर दो, यदि कोई भी सेटेलाइट किसी कक्षा में घूम रहा है उसको वहां से एक्सेप्ट कराना है तो वेग को तो कितना बढ़ाओ 41%, और एनर्जी ऑफ काइनेटिक कितना कर दो डबल, क्योंकि हाफ एमवी स्क्वायर होता है ना 100%, तो गति ऊर्जा बढ़ा दो 100% और वेग बढ़ा दो 41%, तो कोई भी उपग्रह जहां भी चक्कर लगा रहा था वहां से क्या कर जाएगा एक्सेप्ट कर जाएगा, ये आंकड़े यार इनके साथ चल भाई, ये फिजिक्स है, ये नीट है यार, मेडिकल ऐसे आता है। ओके डियर, अब क्वेश्चन आ जा, भगवान ला बेटा ये आ गया, वो समझ आ गया तेरे सामने आ गया यार, सेकंड पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने उपग्रह से वी है, संबंध क्या है तो तेरे सामने आ गया वी इक्वल रूट यस, आगे चले बेटा, ये रहा पृथ्वी तल के समीप 8 किलोमीटर, याद कर ले डेटा लिया हमने यस, हम अल्टीमेट क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा सा काम चलता है आपके लिए, आगे चलो, फिर आ गया रेडियन प्रति घंटा भूस्थिर, भूस्थिर का मतलब है टाइम पीरियड 24 घंटा, सीधी सी बात है भाई यस, तो कौन ये चाल ओमेगा बराबर 2π/T, टी मतलब क्या है 24, अगला साहब कहता है रेडियन प्रति घंटा तो तेरे सामने सामने क्या आ गया पाई अपॉन बारह, आंसर क्या आ गया बस, पर ये कब पता लगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए भूस्थिर जियोस्टेशनरी का मतलब है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर, यानी जितने समय पृथ्वी चक्कर लगा रही है उतने समय चक्कर लगाए कितना है आवर 24 घंटे, सीधी सी बात है, आगे चल, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, रॉकेट को हमेशा ही लॉन्च करते हैं ईस्टवार्ड दिशा में ताकि पृथ्वी का घूर्णन उसकी सहायता करे, दिल की बात है, ताकि पृथ्वी का रोटेशन है ना वो आपकी हेल्प कर दे, क्यों भाई ये प्रश्न है बिल्कुल, आगे चलो बेटा जी, ये हमारा फिर लाडला प्रश्न आ गया, वो कहता है देखो द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर r1 टू r2 यस दादा, अरे मेरी भाषा पूरी हिंदी है, द्रव्यमान m का कोई प्लैनेट है, द्रव्यमान m के ग्रह के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह है, वो r1 त्रिज्या के वर्तीय कक्ष से r2 त्रिज्या के वर्तीय कक्ष में जाने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा कितनी देनी होगी, भैया आप पेज खाली करना, इसका अर्थ ये है दोस्तों ये सैटेलाइट है जरूरी ये प्लेनेट है yes. ये एक आर्क पहले यहां घूम रहा है फिर इसको यहां से कहां लेके जाना है, इसमें ये कौन है r1 ये कौन है R2, तो मैं तेरे कलर चेंज कर दूं, तेरे को डियर सीधी सी बात है इस सैटेलाइट को यहां से यहां ट्रांसफर करना है यार बिल्कुल यही है हाँ, जिसके पास दोनों उड़ जाएं क्वेश्चन में आ जा, तो भाई एक बता तेरे को वहां से वहां ट्रांसफर करना है तो बोलो जी खाली कर पेज, तो तू जानता टोटल ऊर्जा कितनी होती है भैया माइनस जी mm/2R चलो इसका परिवर्तन तो परिवर्तन क्या करेंगे W इक्वल टू वही फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल टोटल करेंगे टोटल E फाइनल यस E फाइनल इक्वल टू सॉरी W बराबर डेल्टा E बोल देंगे इसको ET टोटल तो E फाइनल माइनस E इनिशियल फिर वही बात साइन का चिन्ह इनिशियल पहले आ जाएगा तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बन गया G mm/R1 - G 2R क्वेश्चन दिखा बेटा बिल्कुल तो तेरे सामने जी एम एम को भार ले लो टू को भार ले लो ये आपे मिटा दूं ये आर वन बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई इस पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बस इस ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें कि वस्तु को अपन कक्षा चेंज कर रहे हैं या उपग्रह सही है वस्तु के लिए तो टू नहीं आएगा यस
रुक रुक रिलेट हो आएगा क्यों आएगा, वस्तु की ऊर्जा थी माइनस जी एम एम बाई आर और उपग्रह की है माइनस जी एम एम बाई टू आर। हेलो बस आगे चल। हाँ जी तो पुत्र किशोर 46 इस प्रश्न को देख के तो लगता है सारा खेल लैंग्वेज का ही। हाँ पूरा जो साफ कहता है एक आर्टिफिशियल लाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर पथ पे चक्कर लगा रहा है, वहां उसकी चाल जो है वो पृथ्वी के एक्सिस से परिधि की 1/3 है। बस डियर देख ऐसे नहीं अपन कोई जल्दी बाजी नहीं करेंगे बड़ा ए ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है मुझे पता है यहां इसकी जो वीओ है वो है रूट जीएम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब आर स्क्वायर और ये क्या है ये वीई बाई 3 है 1/3 पिछल जाती है। अब तो क्या चाहिए एच ही अच्छा वीई क्या होता है रूट 2 जीएम अपॉन आर आर और ये 1/3 क्या कर दो बाहर कर दो इक्वल टू क्या है रूट जीएम आर प्लस एच। देखो जीएम से जीएम कैंसिल आउट कर दो स्क्वायर करो ये 1/9 2 बाई आर इक्वल टू आर प्लस एच तो ये तेरे सामने 2R प्लस 2H इक्वल टू 9R तो ये तेरे सामने 2H इक्वल टू 7R तो H इक्वल टू 7R बाई 2 हो जाएगा। क्यों सुनाना बेटा आंसर हो गया 7R बाई 2 आंसर हो गया बिल्कुल ओके डियर आगे चल। पीरियोडिक टाइम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24 आवर ना पढ़ा दिया पूरा हमने आपको संचार का मतलब भी 24 आवर है। आगे चलो बेटा फिर आ जा पृथ्वी तल के निकट देखो भूनिकट देखो ऑर्बिट स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी क्लोज टू एक तो होता है जियो स्टेशनरी एक होता है वेरी क्लोज टू वेरी क्लोज। अगला कहता है पृथ्वी तल के बहुत निकट है वी ये बड़ा वीओ चाल क्या इसकी वीओ तो पृथ्वी तल से इसकी त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की चाल क्या है। देख बच्चे ध्यान दे ये मेरी अर्थ है ठीक है डियर एक तो इसके बहुत निकट चक्कर लगा रहा है और एक स्तर से पृथ्वी तल से इसकी त्रिज्या पृथ्वी तल से तो टोटल जो स्मॉल आर वो क्या होगा 4R यहां घूम रहा है इन दोनों की आपको क्या निकालनी है स्पीड का रेशियो निकालना है। मैं इतना ही जानता हूं यार ज्यादा दिमाग मत लगा जी एम अपॉन आर सीधा सा है वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यार रूट आर है तो नीचे तूने क्या लिया 4 लिया एक बट्टा दो आधी उठ गई यार 0.5 मिनट से बात हो जाती है लगा रहा है पर जो ध्यान है ना ये सरफेस से दी है तो टोटल क्या हो जाएगी 4R क्योंकि डिस्टेंस एक बात कहां डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं सेंटर से। चल आगे चलो भैया फिर वही कहानी है भाई एक बार लास्ट बार कह रहा हूं दूरियां हमेशा केंद्र से मेजर की जाती है डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर मेजर टू सेंटर। देखो एक तुल्यांक की जियो स्टेशनरी और लड़के जियो स्टेशनरी का मतलब टाइम पीरियड कितना है 24 आवर हां एक जियो फिक्स है और ये हमेशा 6R की ऊंचाई में होता है ये बिल्कुल पहले कहा था ये 6R की ऊंचाई पे होता है। एक अन्य उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होगा जो पृथ्वी तल से 2.5R ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है भैया सीधी सीधी फंडा इसका टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब जो केपलर का नियम है। अब देख दोस्त अपना वही तरीका टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर क्या होगा 3/2 अब वही तरीका इक्वेशन 1 बनाओ इक्वेशन 2 बनाओ एक में 2 का भाग टिकाओ तो आ जाओ भैया टी 1 का स्क्वायर इक्वल टू के आर 1 का क्यूब ऐसे करेंगे ठीक है टी 2 का स्क्वायर के कांस्टेंट कोई भी आर 2 का होल क्यूब। अब देख टी 1 मुझे पता कितना है 24 और 24 का स्क्वायर पता है के से के काटूंगा अपॉन उसका मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो टी 2 का स्क्वायर मुझे निकालना आर 1 का क्यूब तो 6R नहीं है भैया 7R यस 7R अपॉन 2.5 का मतलब 3.5 3.5R का होल क्यूब। देख एग्जाम बहुत इजी है कट गया आपस में 2 हो गया 2 की पावर 3 क्या आ गया 8 आ गया ध्यान देना क्लास एग्जाम बहुत इजी होती है आई नॉट क्यों बस अब तेरे सामने है तो इसको रूट कर ले ये तेरा 24 अपॉन ये तेरा टी 2 तो 8 का रूट क्या है 2√2 तो तेरा टी 2 क्या आएगा 24/2√2 ये तेरा 12/√2 अब 12/√2 कोई आंसर ही नहीं है कोई बात नहीं रूट टू से मल्टीप्लाई कर दे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दे 2×2 6√6 बात है बिल्कुल। देखो दोस्तों इसमें जो लड़का समझ रहे ना कि डिस्टेंस मुझे कहां से करनी है उसको कोई दिक्कत है नहीं आगे चलो भैया
50 पूरा भूस्थायी उपग्रह को कहां स्थापित करना चाहिए, ये रहा ये रहा ये रहा विस्तृत रेखा के किसी भी सेल के ऊपर। ये ध्यान सुनो ना भैया, ये हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही सेट होता है, जब पहले बता चुके आपको भैया। आगे चल रही है, हाँ जी देखो, ये कहता है कि पृथ्वी स्तर से 6.4 की घात छह, इसे आर बराबर है ये, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है 6400 किलोमीटर, तो वो यही पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे कोई एम मास का उपग्रह घूम रहा है, तो उसके तो भाई ओ भाई लड़के याद भूल गया क्या, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच कर दो से स्मॉल आर कर दे, यस बस, तो यू इक्वल टू क्या आएगा माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, टू आर बस इसी बात। ओके अब ये क्या स्मॉल जी का मामला आ गया, मैं जानता हूं उसको, स्मॉल जी दोस्तों मेरा होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये तरीका है मेरा, जीएम की जगह मैं क्या पुट करूं जी आर स्क्वायर, तो जहां मेरा जीएम लिखा हुआ क्या पुट करूं जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एम अपॉन टू आर, आर से आर काट, तो क्या आ गया माइनस एम जी आर बाई टू, माइनस एम जी आर बाई टू, याद चला गया, अच्छा क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल दाना भाई, अभी मेरे हाथ में नहीं है भाई, मुझे स्मॉल जी दी गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्मॉल जी रिप्लेस कर दूंगा जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर से। आगे चलो भैया, कौन सी राशि का मान उपग्रह की कक्षीय टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यही तो मूल केप्लर का नियम है। ओके डियर आगे चलिए, देखो डियर आपके सामने एक फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, तो यहां भी मैं एक नई बात करता हूं, फिर ध्यान करना एक बार, वहां पे वो कहता है कि यदि एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल आर की पावर एन हो, तो फिर आप टी और आर के बीच का संबंध बताओ, आज तक क्या पढ़ा आपने, अब तो पढ़ा टी आर की पावर 3/2, एक ही बात है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, बट कब है ये, तो तब है किशोर पुत्र जब एफ आर स्क्वायर के इनवर्स के, ये नहीं कल्पना है इसे, वो कहता माना एफ आर स्क्वायर नहीं आर, एफ आर की पावर एन के इनवर्स है, तो दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं भाई दुनिया कुछ भी हो जाए चाहिए एम वी स्क्वायर आर, थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसको मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है एफ, बस ध्यान ध्यान दे एम आर ओमेगा और एफ तेरा तू क्या कह रहा है आर की पावर एन के इनवर्स है, ये नया एक नया दिया ना मैंने एफ। ओके अब तू जानता है एम तो कांस्टेंट है, अब तेरा आर ओमेगा क्या होता है 2πT, फिर क्या होगा 4π² टी स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन, ठीक है डियर 4π² ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये तेरा टी स्क्वायर तू उधर ले जा, और ये तेरा आर की पावर क्या है एन प्लस वन, तो उसका टी करना चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट कर दे एन प्लस वन बटे टू, ये ले जा एक रिश्ता आ गया। अब मेरे क्वेश्चन क्या, मेरे क्वेश्चन में एन के तीन है, आर क्यूब है ना तीन है, तो एक तीन है तो मेरा तीन प्लस एक चार बटा दो, दो टी आर स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यस यस टी आर स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये आंसर आ गया सेकंड, सिंपल बात बिल्कुल, अगला जैसे कहता वैसे कर दो यार। ओके डियर आगे चल भाई, ये फिर वैसे आ गया, वो कहता है नेपच्यून और शनि दो ग्रह हैं, उनकी सूर्य से दूरियां इतनी इतनी है, माने वर्ती मार्ग गति करते हैं, उनके परिभ्रमण काल का अनुपात क्या होगा, देख बटे सीधी बोल रहे टी वन अपोन टी टू अपोन 10^13 / 10^12 / 3/2 दो, सीधी सी बात है, ये कितना बच गया 10, कितना बच गया 10, तो 10^3/2, 3 का मतलब हो गया 1000, 10 10 10000 उसका क्या कर लो रूट, एक बटा रूट रूट कर लो, अब 1000 का रूट क्या होगा 10 रूट कुछ नहीं करना, सिंपल प्रश्न थी। आगे चलो, इससे बहुत से क्वेश्चन भी याद आ रहा है, हाँ बता, जैसे शनि ग्रह है, हाँ बेसिकली पूछता है कि सबसे स्लो सबसे धीमा ग्रह कौन सा है, हाँ तो अपन प्रैक्टिकल जानते हैं कि शनि जिसके लग गया उधर चलता है, उधर चलता है, सही बात, बेसिकली सबसे स्लो इस पे लो मैं थोड़ी गाइड किया दे देता हूं, मेरी गाइड कुछ बातें ध्यान सुन लो भाई, ये कहता है कि सूर्य के नौ ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो, इसमें बुध सूर्य के सबसे समीप और सबसे छोटा है और सबसे गर्म है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तथा इसके 12 चंद्रमा उपग्रह हैं, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सबसे चमकीला ग्रह है, ये एक कॉन्सेप्ट इसमें काम आ गया, तो ठीक है ओके डियर आ जाओ, फिर वही बात आ गई, आर रेडियस के वर्ताकार पथ पे घूमते हुए सैटेलाइट का परिभ्रमण काल टी है, तो 4r त्रिज्या के वर्तीय कक्ष में घूमते हुए अपना तो वही फंडा डी स्क्वायर आर की पावर 3/2 भैया कलर चेंज करे, क्या कर दिया 4 तो तेरे 4 आ गया, अब 4 का रूट क्या हुआ 2, यस
फोर का रूट क्या हुआ? दो। यस यस। दो क्यूब क्या हुआ? आठ। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल भाई कुछ नहीं करता। आर फोर कर दिया yes. तो फोर का कर लेते हैं, छोड़ो इसको ऐसे छोड़ करते रहे फोर आर पहले ओ पी एम टी वाड़ो और ऐसे कर लिया इसको पहले एक बटा दो कर लो कितना हुआ दो, दो क्यूब कर लो कितना हुआ आठ। आंसर आ गया, पेन भागता है बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ जा फिर वो देख, वो कहता पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की एक बटा चार गुना हो जाए। yes. अपना वही तरीका कितना हो जा रहा है एक बटा चार, कलर चेंज कर, एक कलर चेंज कर कितना हुआ एक बटा चार। तो वही तरीका एक बटा चार का पहले क्या कर रूट, रूट कितना हुआ एक बटा दो आठ, एक बटा आठ। यस क्या देखे तुम सब आगे चल। ये रहा इन प्लेनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू लॉ ऑफ क्षेत्रफलीय क्षेत्रफलीय एरिया 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 डीए बाय डीटी। पूरा क्या डेरिवेशन डीए बाय डीटी का होगा कांस्टेंट। आगे चल पुत्र फिर आगे तेरा टी स्क्वायर आर या कांस्टेंट ये टी स्क्वायर आर क्यू हो गया। आगे चल ये फिर आ गया जो सबसे नजदीक क्या कहता है वो कहता है चाल किसके अधिकतम है जो सबसे नजदीक है एक ही बिल्कुल भाई सीधी सी बात है जो नजदीक होगा उसको धक्का अधिक लगेगा सीधी सी बात पड़ी। आगे चल ये आ गया हमारा सोना क्वेश्चन किसी उपग्रह का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए आवर्तकाल नियत रहता है तो दोनों स्थितियों में कक्षाओं की त्रिज्या कर पाते कि पाते आवर्तकाल दोस्तों दोस्तों आवर्तकाल और आर्क मास का कोई रोल है नहीं है याद रखना कोई रोल नहीं है मास का इसमें। आगे चल ये देख इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन जनरल क्षेत्रीय वेग कांस्टेंट कांस्टेंट है बस इसी बात है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इसी इसी बात है ये क्योंकि सारे डेरिवेशन है और इसलिए हमने डेरिवेशन पहले से कर दिया था आगे चले भैया वो आ गया ये अभी कराया यार मैंने अभी कराया अभी तो कराया है वो कहे गुरुत्वाकर्षण एन इरा 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 यस एन प्लस बाय टू जो किया है बिल्कुल सेम। अरे हम थोड़ी लिपेट रहे कुछ जिंदा मतलब आपके साथ आगे चलो 63 आ जाओ उसको पढ़ पूरा क्या है वो कहता है ग्रह ए की रेडियस ग्रह बी की रेडियस का अनुपात आर है आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू स्मॉल आर। इन ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात जी ए जी बी क्या है अक्ष है तो दोनों ग्रहों के प्लाइन वेग का अनुपात क्या होगा ओ लड़के वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू क्या होता है टू रूट टू जी उठा दे Yes. क्या होता है मसाड़ी कर दो 2gm by r लेकिन सुन भाई साहब इसको अपन या सुन सुन सुन, yes, सुन, सुन लेकिन हमें किसका रेशियो दिया है g का जी तो उसको चेंज करना पड़ेगा yes, yes. उसको चेंज करना पड़ेगा जी उसको चेंज करना पड़ेगा आ जा आ जा आ जा g equal to gm upon r square तो जहां gm लिखा हुआ है वहां क्या आएगा gr square तो भैया और लड़के ऐसे नहीं रहे 2 GM अपॉन क्या होता है R yes, yes. ए लड़के जहां GM है वहां क्या आएगा G R square. R square upon R ये कैंसिल आउट है तो GR हो गया इसका yes. तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो GR तो GA बट्टे GB GB मल्टीप्लाई RA बट्टे RB तो ये X और R का गुणा सीधा गुणा रूट आर एक्स रूट आरक्ष ये आपका एक शानदार सी प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम पे देखा जाए तो। और दोस्तों इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है ना वो एग्जाम में टपकती रहती हैं आती रहती हैं हमने आपकी कर भी दी। आगे चले इस पे एक बार फिर रुक के बात करें आपसे क्या कहता है कि बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट एच ए लड़के ऐसे ये पृथ्वी है ये बॉडी है कहां ले गए H height पे yes. equal to radius of earth H equal to R तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है इसकी potential energy में कितना परिवर्तन कितनी वृद्धि है ओ भाई दिमाग मत लगा यार m g h upon 1 plus h by r h b r h b r तो m g r बटे 1 plus 1 to m g r by 2 भी मेरे हिसाब से ये इस क्लास का एक श्रेष्ठतम सुंदर क्वेश्चन है। ओके डियर 64 वापस आ 64 के क्वेश्चन को कानून बना लो भैया और तो क्या है बिल्कुल अब तक नहीं पढ़ने पड़ा तो इसको रूल बना लो कि ऐसा करने पे एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होता है सीधी सी बात। आगे चलिए 65 पे आ ये और सोना है
वो कहता है सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या के वर्तीय पृष्ठ छोड़ा जाता है, दूसरा 1.01 की त्रिज्या में छोड़ा जाता है, दोनों दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल पहले वाले उपग्रह से कितना अधिक है? यस यस, कितना अधिक है? तो टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 चेंज चाहिए ना, तो डेल्टा टी अपॉन टी बुड़गे कह रहे 3/2 नीचे ले लो, यस डेल्टा आर बाई आर, यस समझा? डेल्टा टी बाई टी 3/2 डेल्टा आर बाई आर। तो दोस्तों डेल्टा टी बाई टी ये तेरा 3/2, डेल्टा आर कितना है 0.01 ये ले। अब तेरे परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कहानी खत्म होगी, 3/2 आंसर आ गया 1.5% है। बिल्कुल ये है क्वेश्चन, नीटली है ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आएंगे, सिंपल बन रहा है। ओके डियर आगे चल, ये कल पढ़ा चुका आपको मैं, किसी ग्राफ गोलीय कोश लड़का कोश है yes. और पोटेंशियल है yes. याद करो पोटेंशियल अंदर सब जगह समान होता है और लाइन के नीचे आएगा, ये आंसर आ गया। बिल्कुल मजा आ रहा ना, कल पढ़ाया आपको सारा, बंदे को ये पूरा करवा दिया आपने। कल का दोनों देखना, ग्रेविटेशनल के फर्स्ट सेकंड दोनों वीडियो एक साथ देखना। नेक्स्ट फिर वो आ गया, वो कहता आर त्रिज्या गोलाकार कोश के गुरुत्वीय तीव्रता पूछी है, yes. तो अंदर तीव्रता क्या होगी? जीरो। भार क्या होगी? घटेगी, जीरो एक ही है, सेकंड आंसर हो गया, बस क्या दिक्कत कर रही है। अभी चलो भैया, दो उपग्रह ए व बी किसी ग्रह पी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, देख भैया ये रहा तेरा चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लगाने दे, ए कहां लगा रहा है? फोर आर त्रिज्या ने, ठीक है, एक आर पे है और एक है फोर आर पे त्रिज्या, भैया ये आर और फोर आर, तो अभी यार क्या बताऊं, क्या बताऊं, टी वन अपॉन टी टू, चार पूछे बस, क्या पूछे? उपग्रह चार की, चार पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं, उपग्रह की चार पूछी है तो चार को जानता है, वी इक्वल टू क्या होता है? रूट जी एम बाई आर, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, आर टू अपॉन आर वन, तो भाई एक वन बाद दो, तो पहले क्या है उपग्रह ए की क्या है? थ्री वी है क्या? यस 3V है ना, yes, तो ले ले यार 3V अपॉन, और ये V2 इक्वल टू क्या है? 1/2 V2 क्या हो गया? 6V, और तो कैसे कर ले, बिल्कुल ठीक है डियर, यस सिंपल, इक्वेशन एक बना दिया, इक्वेशन दो बना दिया, तो तेरे सामने आंसर क्या आ गया भैया इसका? सिंपल 6V आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जा, पेन चेंज कर, पेन तो गड़बड़ हो गया बीच में, फिर वो आ गया T1 T2 बराबर है यहां पर, यस यस, वो कहता सघन चित्र में सूर्य के चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है, दोस्तों साहब कहता है समान क्षेत्र फल समय भी बराबर होगा, ये लो आपका आंसर हो गया भैया 69। आगे से पुत्र ये तेरा 70 ब्लैक होल, ये देखो सुनो, ये एक बहुत तेरी बात है, ब्लैक होल का मतलब है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि ब्लैक होल का मतलब है कि वहां की एनर्जी जो है दोस्तों प्रकाश के वेग से भी ज्यादा, बिल्कुल, तो ये आपके सामने 2gmr जो प्लैनेट वेग का है, एस्केप स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा हो जाए, हाँ, किसी वस्तु को अपन वहां से एस्केप नहीं करवा सके, और अपन किसी वस्तु को मैक्सिमम स्पीड कितना दे सकते हैं प्रकाश के बराबर, उससे अधिक ना हो जाए, तो ये तो उसका प्लैनेट वेग कितना होना चाहिए? सी के बराबर से बढ़ रहा होना चाहिए। दोस्तों ब्लैक होल का मतलब है कि सब कुछ खा जाए, बहुत ही कॉम्पैक्ट, इसका मतलब उसका उनके कणों का प्लैनेट वेग जो प्रकाश के वेग से भी ज्यादा होता है। ओके डियर, तो ये लोग पूरा हो गया। एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों, हम लोगों ने भी गुरुनीति के वीडियो के बारे में सोचा था ना, तो सुनील सर और साहिल सर ने कहा पापा ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा नहीं पॉसिबल तो चौधरी करेगा सीधी सी बात, यस। आज हम 15 वीडियो फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 जूलॉजी के, 15 बॉटनी के, 60 वीडियो हमारे शूट हो गए आउट ऑफ 180, 33% शूट करके एक दिन मिस नहीं हुए, जिस दिन था उस दिन आए, जबकि दोस्तों दिवाली भी आई, इन दिनों शादियां बहुत आई, हमारे यहाँ गाँव में इलेक्शन बहुत हो रहे, तो बहुत से स्टाफ के लोग गाँव से बिलोंग करते तो उनको भी दिक्कत है, लेकिन हमने वीडियो शूट किए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मंजिल कितनी बड़ी हो एक कदम बढ़ाओ, अगले सारे कदम भगवान बढ़ाता आपके लिए, ठीक है। ये वीडियो आप देख रहे हैं 10 तारीख को 12 तारीख को आपसे मिलते हैं SHM के साथ, उसके बाद SHM के फिर आपके दो वीडियो आएंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।